में पथराव के लिए इस्तेमाल की गई इमारतों को ध्वस्त करने का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। जिला प्रशासन के तोड़फोड़ दस्ते ने इस दौरान होटल समेत 100 मकानों पर बुलडोजर चला दिया, साथ ही 500 रेहड़ियां और झुग्गियों को भी तोड़ दिया गया। रविवार सुबह 7 बजे शुरू हुई तोड़फोड़ को देर शाम तक चलाया गया। जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने मौके पर तोड़फोड़ को गलत बताते हुए इसका विरोध भी किया, लेकिन पुलिस कर्मियों के समझाने पर वे पीछे हट गए। जिला प्रशासन ने चौथे दिन तोड़फोड़ कार्रवाई को तेज कर दिया। वहीं कार्रवाई करते हुए दस्ते ने बहुमंजिला होटल और कजारे टाइल्स का शोरूम को भी जमींदोज कर दिया। खास बात यह रही कि बहुमंजिला इमारतों को तोड़ने के लिए प्रशासन को बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा। कार्रवाई सुबह खेड़ा गांव के पास नलहड़ मोड़ पर की गई। यहां दुकानों के अलावा एक होटल को भी तोड़ दिया गया। आरोप है कि नुह हिंसा के दौरान इस होटल से शोभा यात्रा पर पथराव किया गया था। इसके बाद एक बड़ी कार्रवाई सोहना अलवर हाईवे पर तिरंगा पार्क के पास बहुमंजिला इमारत में खुले कजारिया टाइल्स के शोरूम की ओर की गई। इसको तोड़ने के लिए 2 मशीनों का इस्तेमाल किया गया। कार्रवाई के दौरान शोरूम संचालक या इमारत का मालिक मौके पर नहीं थे। नुह में जिला प्रशासन की तोड़फोड़ कार्रवाई का विरोध शुरू हो गया है। जिनके मकान तोड़े जा रहे हैं उनका आरोप है कि सरकार की तोड़फोड़ कार्रवाई न्याय संगत नहीं है। लोगों का आरोप है कि सामान निकालने के लिए भी उनको समय नहीं दिया गया। लोगों का दावा है कि जहां उनके मकान बने हुए हैं वह जमीन उनकी अपनी मलकियत है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि नुह हिंसा में उनकी कोई भी संलिप्तता नहीं है, उसके बाद भी उनके मकानों को तोड़ दिया गया। लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी नोटिस उनको नहीं दिया गया। दुकानों और घरों में उनका लाखों का सामान भरा हुआ था जो अब बर्बाद हो गया है। शहर से गांव तक जिला प्रशासन का तोड़फोड़ अभियान पहुंच गया है। तालाब या फिर ग्राम पंचायत की जमीन पर हुए कब्जों को हटाया जा रहा है, साथ ही बिना नक्शा के बने निर्माणों को भी तोड़ा जा रहा है। रविवार को काफी गांवों में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उपायुक्त के आदेश पर ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद आदि के अधिकारी सरकारी जमीन पर कब्जे वाली इमारतों की पहचान कर रहे हैं। नुह हिंसा में शामिल आरोपियों के मकानों को तोड़ने के साथ साथ कब्जे के लंबित मामलों को भी निपटाया जा रहा है। इसकी शिकायतें काफी दिनों पहले से आ चुकी थी, लेकिन विरोध के चलते जिला प्रशासन यहां से उन कब्जों को हटा नहीं पाया था। उपायुक्त के मुताबिक जिला प्रशासन अब तक 37 जगह तोड़फोड़ कर चुका है और सरकारी 57 एकड़ जमीन को खाली करा चुका है। आपको बता दें कि नुह में फैले उपद्रव की वजह से श्रद्धालुओं की ब्रजमंडल यात्रा पूरी नहीं हो सकी थी। ऐसे में इसी सावन माह में 21 या 27 अगस्त को फिर से इसे निकाला जा सकता है। विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि हिंसा के चलते ब्रजमंडल यात्रा पूरी नहीं हो सकी थी। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।